मंत्री जी भी बोले कि हम आपके नारे देख रहे थे और देख के क्या होगा सर, नारे देख के क्या होगा, हमारा काम करो नहीं तो भुगतो। भुगतेंगे कि नहीं भुगतेंगे? अगर काम किया तो आशीर्वाद मिलेगा, और काम नहीं किया तो श्राप मिलेगा, मिलेगी। तो ये आंदोलन हमारा आपने जो बढ़ाया है आपका आंदोलन है। आंदोलन कभी नेता का नहीं होता, वो जनता का होता है। आपका आंदोलन है। आज सभी राज्यों से लोग यहाँ आए, मैं जानता हूँ एक एक आदमी को यहाँ आने में कितना कष्ट हुआ होगा, पैसे लगते हैं, रिजर्वेशन नहीं मिलते, उसके ऊपर से यहाँ तक ठंड है, आना है, आपके पास स्वास्थ्य नहीं है, पैसा नहीं है। ये कोई पॉलिटिकल वैल्यू नहीं कि 500 रुपए में खरीद ले लो, बराबर है कि नहीं? हम सब ने अपना पैसा डाल के यहाँ आए, ये भावनाएं अगर समझ नहीं सकते तो इनको खुदा भगवान देखेगा। कहीं मेहंदी लगी थी, हिंदी का फोन नीचे आओ, नीचे आओ, नीचे आओ, हिंदी का फोन नीचे आओ, नीचे आओ, नीचे आओ, हिंदी का फोन चोर है, चोर है, चोर है, हिंदी का फोन चोर है, चोर है, चोर है, पेंशन खाने वालों को झूठे मारो साधों को, पेंशन खाने वालों को झूठे मारो साधों को, पेंशन खाने वालों को झूठे मारो साधों को, इन लोगों को सीपीएफसी जो भी बैठा है वहाँ अधिकारी आएस अधिकारी, इस महामहिम को कांग्रेसों को मैं आह्वान करता हूँ कि आके यहाँ के लोगों के चेहरे देखिए। रावण ने बोला खाली मेहंदी लगी है नीचे ही नहीं उतर रहा, और फिर देख रहे हैं अपने बाप लड़के कैसे हैं पूरा। देखें कि अपना बाप बुढ़ापे में कैसे लगता है, कैसी लगती, जब भगवान की लाठी बढ़ती आवाज नहीं होती, चलो बूढ़े तुम भी हो गए, तुम भी बूढ़े हो गए, वैसा होगा तुम्हारे पास लेकिन चैन नहीं, रोटी नहीं मिलेगी, चैन नहीं होगी, तुम्हारे बच्चे तुम्हें जाते मारे, नीचे बुलाओ साहब।